नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष बृहस्पतिवार तृतीया तिथि दिन में 8:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसके नक्षत्र स्वामी बुध देव हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, दानी, प्रतिभाशाली, वैभवशाली और धनी होते हैं। ऐसे जातक हर काम करने में तत्पर, तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक विषयों में रुचि रखने वाले, हास्यप्रिय और अस्पष्टवादी होते हैं। ये तेज मिजाज वाले, स्वाभिमानी, पशुपालन में शौकीन, मित्रों के सहयोगी और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद पुनः इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। चंद्रमा आज भी पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज से शनि और मंगल की युति भंग हो चुकी है। मंगल अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं और अब मंगल की युति केतु के साथ प्रारंभ हो चुकी है, जिसका दैनिक जीवन में प्रत्येक राशि के जातकों पर उनके अपने कारकों के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा, मानसिक उत्साह में वृद्धि होगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव और उसके विकास के प्रति उत्साह और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। बच्चों और घर परिवार से संबंधित मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा। नसों से संबंधित दिक्कतों में कमी आएगी। शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, मगर हड्डी संबंधी समस्याओं का संकेत मिलता है और गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश का योग बनता है। नई कार्य योजनाओं में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और आपकी योजनाएं पूरी होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है और राजकीय मामलों में सहयोग बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। संबंधित मामलों में यदि कोई समस्या चली आ रही है तो उचित चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक होगा और आज का दिन आशंकाओं से भरा रहेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी, साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्य योजनाओं के विस्तार का मौका मिलेगा। सरकारी कामकाज से भी लाभ संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक माहौल संतोषप्रद रहेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और प्रेरणा के स्रोत माने जाएंगे। रुकी हुई या अधूरी पड़ी योजनाएं पूरी होंगी और सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव आएंगे और अतिरिक्त जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी। साझेदारी में लाभ संभव है। कार्य क्षेत्र के विस्तार करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और संतान संबंधी बाधाएं खत्म होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास पूरे होंगे। सिंह राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और प्रयासों में सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, मगर पेट संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए।
नसों से संबंधित समस्याओं में कुछ आराम मिलेगा, मगर हड्डी व पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज का दिन आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग करेगा और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। साझेदारी के मामले लाभदायक रहेंगे, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मित्र व सहयोगियों से सही दिशा निर्देश जारी रहेगा। कुछ रुकते हुए काम शाम तक पूरे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ मामलों में सहयोग मिलेगा और कुछ मामले प्रतिकूल होंगे। इस दौरान अपनी योजनाओं में लिए गए कुछ निर्णय को सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी और किसी काम में देरी की संभावना बनती है। धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखें, अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। रुके हुए या विवादित मामले सुलझ सकते हैं और नए रिश्तों की बुनियाद मजबूत होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक स्थिरता और धैर्य की आवश्यकता है। अपनी कार्य योजनाओं में आक्रामक प्रवृत्ति उचित नहीं होगी। दिलो दिमाग में अत्यधिक गहराई तक सोचने और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, जिसे निर्णय लेने में दिक्कत महसूस होगी और अनावश्यक विलंब संभावित है। निजी संबंधों और पारिवारिक सलाह की प्रेरणा लेते हुए कार्य योजनाओं को संपन्न करें और वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि के जातकों को अत्यधिक ऊर्जा महसूस होगी। आपका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक बढ़ा हुआ होगा। इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से अपनी कार्य योजनाओं में निवेशित करते जाएं। हालांकि वाणी में प्रखरता और तेजस्विता परिलक्षित होगी और अनावश्यक उत्तेजना का दौर आता रहेगा। अपने आप को धैर्य और संयम के साथ नियंत्रित करना चाहिए, जबकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में लाभ मिलेगा, वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और यात्रा का योग बनता है। मकर राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ में सहायता मिलती रहेगी। मंगल के आपकी राशि पर आने से अदम्य साहस और भरपूर ऊर्जा की वृद्धि होगी। नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा, मगर निजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। अपव्यय की स्थिति बनी हुई है। आप अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंत्रित करते रहेंगे। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मसंयम आवश्यक होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। पारिवारिक तालमेल और निजी संबंधों में तालमेल बनाए रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातक कार्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने में सफल रहेंगे। आपकी स्पष्ट सोच और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल लाभदायक माहौल पैदा करेगा। आर्थिक लाभ का मार्ग खुला हुआ है। पहले की रुकी हुई योजनाओं को लागू करने का समय हो चुका है, मगर वाद विवाद के लिए समय संवेदनशील हो गया है। विवादित योजनाओं में समझौता करना लाभदायक रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। सामाजिक व्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में विकास की गति धीमी हो सकती है, मगर आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। अपनी योजनाओं के निर्णय लेने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके कार्यों में अप्रत्याशित रुकावट की भी संभव है। संबंधित मामलों में विवाद पैदा हो सकता है और उत्साह व आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। धैर्यपूर्वक अपनी रुकी हुई योजनाओं को चालू करें। संतान के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और पारिवारिक माहौल में सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।